तो हाँ जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इंडिया की जाने मानी मॉडल उर्फीत जावेद के पास, जो आजकल ही हाल ही में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उर्फी जावेद भाई साहब, उर्फी जावेद के पास जा रहे हो आप? मोस्टली का बच्चा जानता है इसको। हाँ भाई साहब, उर्फी जावेद के पास जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने। भाई साहब मुझे भी ले चलो ना उर्फी जावेद के पास, मेरी बहुत इच्छा है उर्फी जावेद से मिलने की। भक्स साले। भोसड़ी के क्या बोला? इधर बेटा, उर्फी जावेद से मिला ले जाता तेरे को, आजा। क्या सच में उर्फी जावेद से मिला होगे? अभी आता हूँ। आजा मुन्ना, आजा। भक्स साले, भक्स गाली देंगे। कितना बिड़ा के चाटा मारा है मेरे। आंटी जी को बताऊंगा कि रिपोर्टिंग के नाम पे पोर्न स्टारों से मिलता है जाके। तो हाँ जी दोस्तों, चलते हैं उर्फी जावेद के पास और उनसे पूछते हैं धमाकेदार क्वेश्चन। सीधी ग्राउंड में टिक सही दिख रही है ना? दिख रहे ना थोड़े? अरे मेरा मतलब हम दोनों दिख रहे ना? ठीक है, एक मिनट। हाँ तो उर्फी जी, आपके लिए पहला सवाल ये है कि आप जो है यूनिक ड्रेसेस पहनते हो, आपके दिमाग में ये आइडियाज आते कहाँ से? वो एक्चुअली क्या है ना, पहले हम बहुत ही गरीब हुआ करते थे और मेरे पिताजी, अरे सॉरी, मेरा मतलब मेरे फादर कबाड़ी का काम किया करते थे। और जब भी मेरे पापा काम करके फादर घर पे आया करते थे ना, तो कबाड़ का कुछ सामान बच जाया करता था। और मैं मुझ पगली को देखो, मैं उस सामान को कपड़े बनाकर पहन लिया करते थे और मेरे पापा मुझको देख देख के बहुत खुश हुआ करते थे। अच्छा तो फिर आप एकदम से अमीर कैसे हुए? सब जानना है इस बड़े को। वो क्या है ना, मैं थोड़ा फ्लो में चली जाती हूँ। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ये वाला गाना सुना है आपने? हाँ सुना है। इसी गाने से तो मैं फेमस हुई थी। पर इस गाने से कैसे? अरे रुको मैं बताती हूँ, ये देख रही है? पर ये तो करिश्मा कपूर। अरे ये करिश्मा कपूर नहीं है, मैं हूँ मैं। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? अरे यार ये इंटरव्यू वाले भी ना गंवार के गंवार ही रहेंगे सारे। खैर छोड़ो, अरे मैंने ना प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, वैसे वो मैं ही हूँ। अच्छा तो आप एक बात बताइए, वैसे तो आप बड़े फेमस हो, तो आपको कोई हेटर तो होगा ही, तो आप उस हेटर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? वैसे हेटर तो मेरा कोई भी नहीं है। हाँ एक है जो हाल ही में मेरी वजह से बहुत ही फेमस हो रहा है, हिंदुस्तानी भाव। क्या क्या क्या? ये बाबर चौधरी सी खुद के तो लगे पड़े और मेरे चैनल को और बंद करवाएगी। हिंदुस्तानी भाव अगर आप देख रहे हो तो मैं माफी चाहूंगा। अरे भाग।